एवरीवन, मैं आपका बहुत बहुत नमन करती हूँ थ्री एंजल में। दोस्तों, आज आपके लिए एक नया टॉपिक है दोस्तों, जिसमें बताया जाएगा कि आप दोनों पार्टनर आने वाले भविष्य में एक हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे, या आप में पैचअप हो पाएगा, या बातचीत होगी, कि आपका जो रिलेशन था वो सक्सेस होगा। दोस्तों, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि आपका रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, आप दोनों पार्टनर जो हैं आगे चल के आप दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है। दोस्तों, ये हम बात करेंगे। देखते हैं दोस्तों कार्ड में क्या निकल कर आता है। पहले ओरिकल कार्ड से देखेंगे, फिर टैरो कार्ड से निकालेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि आप दोनों में जो आप दो पार्टनर थे, आप लोग के बीच में बहुत ही एकदम स्वस्थ और दोस्ती की भावना थी। आप दोनों पार्टनर के बीच में बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छा रिलेशन था, बहुत ही प्यारा रिलेशन था दोनों पार्टनर के बीच में। दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जाता है आप दोनों बहुत अच्छे तरह से ग्रोथ कर रहे थे, वृद्धि और विकास कर रहे थे, और दोनों मिलकर जब एक दूसरे को समझ रहे थे तो आप एक बहुत अपना ग्रोथ कर रहे थे, विकास कर रहे थे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे दोनों पार्टनर। आप दोनों में जब फ्रेंडशिप था, फिर उसके बाद आप दोनों में बहुत ग्रोथ किया मिलकर, बहुत आगे बढ़े, बहुत ही, चाहे वो मनी मैटर हो, चाहे वो लव मैटर हो, उसमें आपने बहुत ग्रोथ किया दोस्तों। अलाइनमेंट यानी आप एक दूसरे को बहुत समझने की कोशिश की, आप एक दूसरे को समझे भी और समझाने की भी कोशिश की। आप दोनों पार्टनर के बीच में बहुत ही अच्छी प्रक्रिया थी, बहुत ही सरल, और आपका जो व्यवहार था बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था, और समझाने की जो प्रक्रिया थी आप दोनों में बहुत ही अच्छी थी। यानी आप एक दूसरे के भावनाओं को समझते थे, जानते थे, और आप दोनों के बीच बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ही सोच समझने की शक्ति थी, और आप एक दूसरे का मान सम्मान भी करते थे दोस्तों। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यहाँ पे वेस्पर ऑफ हीलिंग का कार्ड आया है दोस्तों। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दोनों पार्टनर में बहुत ही भावनात्मक शक्ति थी, शारीरिक दोस्ती थी, भावनात्मक दोस्ती थी, आध्यात्मिक दोस्ती थी, जिसमें से आप में और दोनों में एक दूसरे के बीच में बहुत ही मजबूत रिश्ते बने, बहुत ही प्यारा रिश्ता बना, बहुत ही भावनात्मक रिश्ता बना, बहुत ही आध्यात्मिक रिश्ता बना आप दोनों के बीच में, दोनों पार्टनर के बीच में दोस्तों। यहाँ पे आपका आने वाला फ्यूचर जो इस कार्ड को देख कर लगता है कि दोनों आप एक दूसरे से अलग नहीं रह पाएंगे दोस्तों, आप दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये दिया जा रहा है इल्यूज़न कार्ड, ये बताता है कि आप कुछ समय के बाद आप दोनों में कहा सुनी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और आप लोग वास्तविकता से विपरीत चले गए, यानी आप निराधार विचार में फंसते गए। आप दोनों पार्टनर यानी मन में भ्रम आने लगा, गलत विचार आने लगा, एक दूसरे के प्रति घृणा आने लगी, एक दूसरे के प्रति जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो आने लगी। यानी आप कुछ समय के बाद आप दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए दोस्तों। यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि दोनों पार्टनर पहले तो बहुत ही समझदारी वाला आया, फिर साथ रहने वाला आया, लेकिन कुछ समय के बाद साथ में रहते रहते दोनों पार्टनर के बीच में आप लोग की स्थितियां ही बदल गई एकदम। आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा और निराधार विचार को लेकर झगड़ा करने लगे, यानी आपका जो थॉट है वो बिल्कुल विपरीत थे, मिल नहीं रहे थे, जिसके कारण आप लोग में अलगाव हो गया, सेपरेशन हो गया और दोनों पार्टनर एक दूसरे से एकदम अलग हो गए। यहाँ पे इस कार्ड से ये पता चलता है दोस्तों। और देखते हैं क्या आता है। ड्रैगन फ्लाई से ये पता चलता है दोस्तों कि आप लोग का जीवन हो सकता है कि परिवर्तन के लिए ही बना हो। यहाँ पे ये दिया जा रहा है
यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है, या आप दोनों का रिश्ता ही परिवर्तन होने के लिए बना था, यानी कुछ सीखने के लिए बना था। ये मूड ऐसा आया आपके जीवन में जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो सके, आप समझ सके कि हम दो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं। या ये कार्ड ये बताता है दोस्तों। देखते हैं इस कार्ड ओरिकल कार्ड से क्या निकल के आता है दोस्तों। रिट्रीट, रिट्रीट से ये पता चलता है कि आप दोनों के बीच में कहासुनी हुई, बहस हुई, और आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते को छोड़कर पीछे हटना उचित समझा। आप दोनों एक दूसरे से पीछे हट गए, यानी एक दूसरे से दूरी बना ली और आप दोनों अलग हो गए। यहाँ पे इस कार्ड से ये दिखाया जा रहा है दोस्तों कि आप मेल हो या फीमेल हो, आप लोग में जो भी थॉट, जो आपके थॉट एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे, विपरीत परिस्थितियाँ हो गई, उससे आप लोग पीछे हटना शुरू कर दिए, एक दूसरे से दूरियाँ बना ली और पीछे हट गए दोस्तों। यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे दिया गया हील एनर्जी। ये सब आपको एनर्जी हील करने के लिए बताया जा रहा है, सजेशन दिया रहा है कि आप दोनों पर्सन जो पार्टनर हैं अपनी एनर्जी को हील कीजिए। आपकी एनर्जी बहुत लो लेवल की हो गई है, बहुत कम हो गई है, उसको आप एनर्जी को एलराइज कीजिए, और साथ ही साथ आप जो पहले की तरह थे, आप लोग फ्रेंडशिप में, दोस्ती में, प्यार में, उस प्यार को लाने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो बीता हुआ समय है दोस्तों उसको समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से ही लाया जा सकता है। यहाँ पे ये दिया गया है ट्रस्ट, ट्रस्ट से ये पता चलता है आप दोनों में जो दूरियाँ बढ़ी हैं वो विपरीत परिस्थितियों की वजह से, कला से, और एक दूसरे पर विपरीत विचारों की वजह से हुई है। लेकिन आपको यहाँ सजेशन दिया जा रहा है कि आप एक दूसरे पर विश्वास करिए, आपका जो रिलेशन का फ्यूचर है, दोनों पार्टनर का, मेल हो या फीमेल हो, आप विश्वास करेंगी तो उम्मीद बहुत है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है कि आपका ये जो आने वाला फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है, उसको रखने की कोशिश करिए, सुधारने की कोशिश करिए दोस्तों। यहाँ पे ये दिया जा रहा है, एक कार्ड और लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट स्टार्ट। ओरिकल कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते हैं दोस्तों, अपनी तरफ से पहली नई शुरुआत करिए। पहली नई शुरुआत करेंगे तो आपका दोनों पार्टनर का जो रिश्ता खराब हो गया था, जो आप दोनों एक दूसरे को छोड़ चुके हैं, पीछे हट गए हैं, वो फिर से नई शुरुआत करिए जीवन में। नई शुरुआत करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही सक्सेस रहेगा, बहुत ही सफल रहेगा, और आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। यहाँ पे और का टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि आप में क्या है, आप दोनों के रिश्ते का क्या फ्यूचर है, आप दोनों एक दूसरे के हो पाएंगे कि नहीं आगे चलकर। देखिए दोस्तों, आप दोनों एक दूसरे के हो पाएंगे कि नहीं। नाइट ऑफ सोर्स, पेज ऑफ प्रॉट्स, डेथ और द वर्ल्ड। सिक्स ऑफ कप्स। देखिए, मैंने बोला था ना आपके रिश्ते में जो दूरियां आ गई थी, जो तकलीफ था, जो एक दूसरे से पीछे हट गए, वो हटना आपके लिए जरूरी था दोस्तों। अगर आप दोनों एक दूसरे से हटते नहीं, पीछे नहीं हटते, एक दूसरे के विपरीत नहीं जाते, तो आपको उसका इम्पोर्टेंस नहीं मालूम पड़ता पार्टनर का, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आदमी जब एक दूसरे से दूर जाता है तब एक दूसरे का पहचान होता है, एक दूसरे की भावना को हम जानते हैं कि वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। इतना अच्छा कार्ड निकल के आया दोस्तों। आप दूर होके, एक दूसरे से दूर होकर बहुत दुखी हैं, आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, नो कनेक्शन में हैं, आप
जो भी इच्छा कर रहे हैं वो बहुत आप उससे परेशान हैं दोस्तों, आप एक दूसरे से दूर रह के खुश नहीं हैं। इस कार्ड से ये पता चलता है कि आप दोनों दिल ही दिल में दोनों एक पार्टनर दोनों से प्यार करते हैं, दोस्ती की भावना है, आगे बढ़ने की कोशिश है, आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन आप लोग पीछे मत हटिए। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आया है, आप दोनों पार्टनर नई शुरुआत करें। यहाँ पे देखिए ये ओरिकल कार्ड से आया था फर्स्ट स्टार्ट, यानी आप नई शुरुआत करिए दोस्तों, नई शुरुआत से ही नया सवेरा होगा और आपका जो पार्टनर का आप आने वाले समय में एक दूसरे से मिल पाएंगे और अपना जीवन सुखमय बना पाएंगे। और दोनों चाहे पति पत्नी हो, चाहे आप लिविंग रिलेशन में हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपके आने वाले समय में आपका रिश्ता जो है बहुत ही मजबूत बनने वाला है। थोड़े समय के बाद आपका जो रिश्ता है बहुत ही सक्सेस रहेगा, बहुत ही सफल रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और आने वाले समय में आप दोनों एक दूसरे के ही हो जाएंगे, यहाँ पे इस कार्ड से ये पता चलता है। आने वाले समय में आप दोनों मिलेंगे और जब मिल जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत हैप्पी फैमिली होगा। हो सकता है किसी किसी का शादी भी हो जाए जिससे बाल बच्चे भी हों, आपका घर परिवार हो, एकदम हैप्पी फैमिली हो आपकी। इतना प्यारा कार्ड यहाँ पे निकल के आया दोस्तों कि आप दोनों का आने वाला फ्यूचर जो है पार्टनर का बहुत ही सुखमय, बहुत ही आनंदमय, बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा आपका जीवन, पारिवारिक जीवन दोनों पार्टनर का। बहुत ही प्यारा कार्ड निकल के आया, देखते हैं कि इसमें आपको क्या सजेशन दिया जा रहा है ओरिकल कार्ड के द्वारा। यहाँ बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई, आप दोनों भविष्य में आप एक दूसरे को मिलेंगे। अभी फिलहाल आप जो लड़ाई झगड़े के मूड में हैं वो आपको सबक सिखाने के लिए, दोनों पर्सन को, दोनों दोस्त को या पति पत्नी को सिखाने के लिए वो समय आया था, वो समय हट जाएगा और आप लोग नई शुरुआत करेंगे। आप खुद ही एक दूसरे से बातचीत करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने रिश्ते में दोस्तों, आप दोनों मिलकर ही रहेंगे। सौरव, पॉलिटिक्स, द ड्रीम, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आप अकेले मत रहिए, दुख मत करिए, चिंता मत करिए, अपने पार्टनर से बात करिए, अपने जो भी मित्र है, दोस्त है, स्पाउस है, पति है, उसको अकेला मत छोड़िए, उसको तकलीफ मत दीजिए और अपने भी तकलीफ में मत रहिए। नई शुरुआत करिए क्योंकि आपके जीवन में भी नई शुरुआत होने वाली है। इस कार्ड से ये पता चलता है आपके जीवन में नया सूरज आने वाला है, नई प्रकाश आने वाली है। तो आपके जीवन में दुख मत रखिए, आगे बढ़िए, आपके जीवन में बहुत तीव्र तेज से प्रकाश आ रहा है, आपके रिश्ते में बहुत ही आगे रहेगा, बहुत ही सक्सेस रहेगा। आप लोग किसी के दूसरे के बहकावे में मत आइए, कोई ये कार्ड से ये पता चला दोनों पार्टनर किसी के बहकावे में मत आइए, अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुनिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए और एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश करिए। नई शुरुआत करिए अपने पारिवारिक जीवन, अपने दोस्ती के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने स्नेह के लिए। यहाँ दिया गया है कि जो आप पार्टनर जो मिलकर एक दूसरे के साथ, देखिए यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन भी आया है दोस्तों, देख रहे हैं एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं और जो आपके सपने हैं वो अवश्य पूरे होंगे। जो दोनों के मिलने का सपना है, दोनों से प्यार करने का सपना है, अपना फैमिली बनाने का सपना है, वो अवश्य पूरी होगी दोस्तों। यहाँ लास्ट में पूरे रीडिंग का एक ही कार्ड आ गया, आपके जितने भी अच्छे सपने हैं, जितने भी आपके पार्टनर के सपने हैं, जितना आपका बीच में जो तकलीफ आया, दुख आया, वो आप दूर होने वाला है और आपका जो हैप्पी फैमिली है, जो आपका सपना है, जो आपका प्यार है और जो आपका पार्टनर है, दोस्त है, पति है, वो मिलने वाला है, आपका सपना पूरा होने वाला है और आपकी जो फैमिली रहेगी बहुत ही हैप्पी रहेगी और बहुत ही सक्सेस रहेगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।